हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज, मैं आज आप लोग के लिए क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 ले आए हैं। इससे पहले आपको बता देते हैं कि एक्सरसाइज 1.1, 1.2 और 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 ऑलरेडी वीडियो बने हुए हैं, डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दिए हैं, आप लोग जाकर देख सकते हैं। आज आप लोग को एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशन करने वाले हैं। आपको क्वेश्चन दे रखे हैं कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएँ अपरिमेय हैं। ओके, अपरिमेय आपको सिद्ध करना है। जैसे एक नंबर में क्वेश्चन है 1/√2, 2 नंबर क्वेश्चन है 7/√7 और 3 नंबर क्वेश्चन है 6+√2। ओके, तो चलिए हम लोग बारी बारी से सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन करेंगे 1/√2। ओके, इसे आपको नेक्स्ट वीडियो में बता चुके हैं कि सबसे पहले हमको मान लेना है कि माना कि जो क्वेश्चन रहेगा उसको परिमेय संख्या मान लेना है। ओके, तो चलिए मानते हैं। माना कि जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। फिर आपको क्वेश्चन लिखना है 1/√2 और इक्वल टू में लेना है P/Q लिखना है, जहां P और Q एक पूर्णांक है और लिखना है Q≠0। ओके, आपको ये बार बार लिखना है। आपको क्वेश्चन लिख लेना है और इक्वल टू में P/Q, जहां P और Q एक पूर्णांक है, Q≠0। अब देखिए 1/√2, तो देखिए अगर √2 नीचे रहेंगे तो हमको परिमेयकरण करना होगा। ओके, अगर नीचे √2 है तो ऊपर में भी √2 और नीचे में भी √2 और इक्वल टू में आपको P/Q लिखना ही है। ओके, अब देखिए 1/√2 आपका √2 हो जाएगा और √2 आपका 2 हो जाएगा, क्योंकि √2 यानी दो बार है तो √2 का स्क्वायर कर सकते हैं। तो रूट कैंसिल, तो स्क्वायर कैंसिल, सिर्फ आपका 2 बचा, इसलिए 2 बच गया और इक्वल टू में लेना है P/Q। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। ओके, देखिए 2 × P हम लोग 2P कर सकते हैं और √2 × Q यानी Q और √2 कीजिए, तो इसको भिन्न में कीजिए। 2P और कोई चीज़ गुना में है, बराबर की इधर आ जाएगा तो आपका बटा में हो जाएगा और इधर रह गया आपका √2। ओके, तो चलिए आप लोग को यहाँ बनाकर दिखाते हैं। ये आपका हो गया, तो लिख सकते हैं कि 2P/Q इसको एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। फिर लिखना है √2 एक परिमेय संख्या है। फिर लिखना परंतु √2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी मान्यता गलत है कि जो क्वेश्चन है, ओके, क्वेश्चन आपका 1/√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। और फिर आपको लिख देना है कि क्वेश्चन जो है 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, और यही आपको सिद्ध करने के लिए बोले हैं कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ओके, आई होप आप समझ पा रहे हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को कवर करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपका दे रखे हैं 7/5। ओके, 7 लिखेंगे, इसको मान लेते हैं। माना कि 7/5 एक परिमेय संख्या है। फिर लिखना है क्वेश्चन 7/5 इक्वल टू P/Q, ब्रैकेट में लिखना है, जहां P और Q एक पूर्णांक है और लिखना है Q≠0। ओके, ये आपका कंपलसरी है, बार बार लिखना है। तो √5 को √5 रख देते हैं और P/Q कोई चीज़ गुने में है तो इधर आ जाएगा, तब का बटा में हो जाएंगे। ओके, 7Q हो जाएगा। देखिए ये और कैलकुलेट नहीं होंगे, तो P/7Q यहाँ पर कर देते हैं एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है।
आपका बच्चा रूट फाइव, तो फिर लिखिए रूट फाइव एक परिमेय संख्या है। फिर लिखिए परंतु रूट फाइव एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, लिखना है। अतः हमारी मान्यता गलत है कि जो आपका क्वेश्चन है सेवन रूट फाइव एक परिमेय संख्या है, लिख देना है। क्वेश्चन देखकर सेवन रूट फाइव एक अपरिमेय संख्या है और यही आपको सिद्ध करने के लिए बोल रहे हैं। ओके, कि सेवन रूट फाइव एक अपरिमेय संख्या है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर थ्री को कवर करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री है सिक्स प्लस रूट टू। ओके, सिक्स प्लस रूट टू एक अपरिमेय संख्या है, इसका सिद्ध कीजिए। तो हमें मानना पड़ेगा कि माना कि सिक्स प्लस रूट टू एक परिमेय संख्या है, हम लोग मान लिए। ओके, एक परिमेय संख्या है। फिर लिखना क्वेश्चन सिक्स प्लस रूट टू इक्वल टू पी बाय क्यू, इक्वल टू पी बाय क्यू लिखना है, जहाँ पी और क्यू एक पूर्णांक है। फिर लिखना है q नॉट इक्वल टू जीरो, ये आपको बार बार लिखना है। ओके, तो चलिए इसको रूट टू को रूट टू रख देते हैं और p बटा q को चीज प्लस में है, बराबर के उधर चला गया तो आपका माइनस हो गया, ये आपका कैलकुलेटर होंगे नहीं। ओके, तो इसको ले लीजिए कि p बटा q माइनस सिक्स एक परिमेय संख्या है। आपका ये बच्चा रूट टू एक परिमेय संख्या है, रूट टू एक परिमेय संख्या है। फिर लिखना है परंतु रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। फिर लिखना है अतः हमारी मान्यता गलत है कि जो क्वेश्चन है आपको लिखना है सिक्स प्लस रूट टू एक परिमेय संख्या है। फिर लिख देना है जो आपका क्वेश्चन है सिक्स प्लस रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। ओके, और यही हो गया आपका उत्तर। और यही आपको सिद्ध करने बोले हैं कि सिक्स प्लस रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छे लगे हैं। अगर वीडियो अच्छे लगे हैं तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।